करनाल बेहतर लिंग अनुपात में वर्ष 2020-21 के लिए जिले के असंध में पड़ने वाले गांव बाहरी को बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया है। पिछले वर्षों की भांति हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लड़कियों का लिंग अनुपात सर्वाधिक होने के लिए गांव की 10वीं परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाली तीनों बेटियों को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्कीम के तहत इस उपलब्धि के लिए ऐसे गांव की 10वीं परीक्षा में प्रथम द्वितीय व तृतीय रहने वाली बेटियों को कुल 1,50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, अर्थात प्रथम रही बेटी को 75,000 रुपए, द्वितीय स्थान पर रहने वाली बेटी को 45,000 रुपए तथा तृतीय स्थान पर रहने वाली बेटी को 30,000 रुपए नगद दिए जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने को 22 जनवरी 2015 में पानीपत से शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। बता दें कि 22 जनवरी 2015 को प्रदेश के पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया, ताकि समाज में बेटियों की भी बेटों के बराबर कद्र हो, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जीवन में उन्नति के लिए वे सभी अवसर प्रदान किए जाएं जो लड़कों को दिए जाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने बेस्ट विलेज अवार्ड की स्कीम लागू की, जिसके तहत ऐसा गांव जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा सबसे ज्यादा हो उसका चयन किया जाता है, और उसी गांव की लड़कियों को 10वीं की परीक्षा में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पाने के लिए कुल 1,50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष का पुरस्कार बाहरी गांव को मिलने पर उपायुक्त ने तीनों बेटियों को सम्मानित करने के बाद उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। उपायुक्त ने तीनों बेटियों को नगद राशि के चेक दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे गांवों को भी बाहरी गांव का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करने का सपना संजोए तीनों बेटियों ने बताया कि वे मेहनत और आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, तथा अपने माता पिता ही नहीं बल्कि गांव व जिले का नाम भी रोशन करने की ख्वाहिश दिल में है। हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत आज हमने करनाल जिले का वो गांव जिसमें सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी जन्म पे जो लिंगानुपात है वो अधिकतर हो, हाईएस्ट हो, उस ऐसे एक गांव की तीन बच्चियों को हमने सम्मानित किया है। वो गांव असंध सब डिवीजन का बाहरी गांव है और उसमें जो लिंगानुपात है वो 1305 का है, यानी हर 1000 बच्चों पे 1305 जो लड़कियां हैं वो पैदा हुई हैं। उसकी जो तीन बच्चियां थी जिन्होंने 10वीं में हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए थे उनको हमने फर्स्ट प्राइज 75,000 का, सेकंड प्राइज 45,000 का और थर्ड प्राइज 30,000 का हमने दे करके सम्मानित किया है। मुझे खुशी है कि असंध सब डिवीजन जहाँ पे आमतौर पे भ्रूण परीक्षण के सेक्स डिटर्मिनेशन के केसेस बहुत सारे सामने आते हैं, वहाँ पे एक ऐसा गांव मिला जिसमें लिंगानुपात इतना ज़्यादा था जन्म के समय, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बाकी गांव भी इसकी तुलना करेंगे इससे और सबक लेंगे। जो तीन बच्चियाँ हैं जो 10वीं में अपने गाँव में टॉपर्स रही हैं उनके भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। करनाल सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के बेस्ट विलेज अवार्ड में बाहरी गांव बेहतर लिंग अनुपात में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 1305 के साथ पहले स्थान पर रहा। इसी क्रम में घ्रोंडा का फरीदपुर गांव का लिंग अनुपात 1000 लड़कों के पीछे 1259 लड़कियों का रहा और यह गाँव दूसरे स्थान पर है, जबकि तरावड़ी के गाँव तखाना 1178 लड़कियों के जन्म के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पीएनडीटी व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नोडल डॉक्टर नरेश करड़वाल ने बताया कि पिछले एक साल से जिला में पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस दौरान समय समय पर गर्भ में भ्रूण की जांच करने वाले तथा कथित समाज विरोधी तत्वों की धर पकड़ कर सफलता हासिल की है और ऐसे लोगों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा जारी रहेगा। देखिए, पिछले कुछ देर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग करनाल द्वारा काफ़ी सक्रियता से कार्य किया गया है। बहुत सी जगह पे जहाँ पे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें रेड्स वगैरह भी सफल करी गई हैं। उसी के अंतर्गत जो है कि हमारा जो सेक्स रेशो है वो रेगुलरली जो है इम्प्रूव होता जा रहा है, और इसी में जो गांव पूरे ज़िले में सबसे अच्छी सच के साथ है जो कि बाहरी गांव है असंध एरिया का,
और उसके बच्चों को जो 10th क्लास के बच्चे हैं लड़कियां हैं उनको हमने उनको सम्मानित किया है और एक मिसाल वो बनेगी दूसरे गांव के लिए भी कि अपने बच्चियों को हम पैदा होने से पहले नहीं मारें और बच्चियों का पूरा सम्मान करें। बच्चियां पढ़ के बहुत अपने फैमिली के लिए सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कार्य करती हैं। तो उसके अनुरूप जो करनाल की सेक्स रेशो है वो भी पिछले साल की तुलना में 906 जो रही है और इस जनवरी की जो है वो 927 रही है, तो उसमें भी वृद्धि हो रही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क है, जो भी कोई इस तरह के कार्य में संलिप्त रहता है इमीडिएटली विभाग उस कार्य करता है। अभी कल भी हमने कुरुक्षेत्र में एक रेड करके वहाँ पे भी जो अवैध गर्भपात उसका ये PNDT के अंतर्गत सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करते थे उसको पकड़ा है करनाल की टीम ने। तो इसके लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है।